आ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ने जब लोगों को यहाँ पर देखा, कार्यकर्ताओं को सब यहाँ पर देखा, तो वो खुद उन्होंने यहाँ पर स्वीकार करना चाहा कि सभी का अभिवादन स्वीकार करें और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं, आप देखिए, और पुष्प वर्षा हो रही है पूरे रास्ते विधानसभा से। जब से निकले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये काफिला आगे बढ़ रहा है। रोड के दोनों तरफ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं, जिनका यह कहना है कि तमाम कुरीतियों से आज उनको छुटकारा मिला है और इस संभव हो पाया है पुष्कर धामी की सरकार के जरिए। उनका यह कहना है कि मुस्लिम पुरुषों को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी तक जो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चार चार शादियां कर लिया करते थे, अब वो संभव नहीं है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद ये संभव हो नहीं पाएगा और सभी को एक समान अधिकार मिलेगा, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। अब किसी पर्सनल लॉ के जरिए या उसकी आड़ में कोई सहूलियत अब कोई यहां पर ले नहीं पाएगा, और इसी दिशा में सरकार ने कीर्तिमान रच दिया है। और जो बात कही जा रही है कि एक छोटे से राज्य ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का मतलब यह है कि समूचे देश के लिए एक संदेश गया है। बीजेपी के कोर एजेंडे में शुरुआत से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो, या फिर देश में यूसीसी लागू करने की बात हो। और बीजेपी अपने कोर एजेंडे को लागू करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और अब राज्य दर राज्य यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ चुकी है। शुरुआत हुई है उत्तराखंड से। भारतीय हम तस्वीरें देख पा रहे, लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। महिलाएं भी इसमें हमें नजर आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं भी नजर आ रही, जिनसे आप बातचीत कर रही थी, उनका यह कहना है कि देखिए जी, हम बहुत परेशान थे, हम प्रताड़ित थे, तमाम जो कुरीतियां थी अब उनका खात्मा हो जाएगा इस कानून के जरिए। बिल्कुल, ये बात तो आपने सुनी मुस्लिम महिलाओं की, लेकिन मेरे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, उनके रिएक्शन भी ले लेते हैं। मैडम, आज आप खूब जश्न में थी, खूब उत्साह, खूब डांस भी आपने किया, कैसे देखती है यूसीसी बिल पास हो गया, क्या उम्मीद है आपकी? हम इतनी दूर इसको देख लेगा, हम इतनी दूर पिथौरागढ़ से यहाँ आए हैं, क्योंकि हमने जब उत्तराखंड बनाया था, हम एक राज्य आंदोलनकारी भी हैं, हमने उत्तराखंड जब बनाया था तो नहीं सोचा था ऐसा होगा, तो आज वो दिन साकार हो गया जो हमारे धामी जी ने जो एक करके दिखाया, वो उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल बन गई कि महिलाओं के लिए जो बना वो बहुत अच्छा, तो उनको हम इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। एक मिसाल कायम हो गई जैसा कि मैडम कहती हुई नजर आ रही है, आप कैसे देखती हैं इसे? मैं तो पहले माननीय मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि आज इतना हर्ष का विषय है कि कल हम पिथौरागढ़ से आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज यूसीसी आज पास हो गया विधानसभा में, मैं आभार व्यक्त करूंगी, और पूरे देश के लिए आज खुशी का दिन है, हम एक त्योहार के रूप में आज मना रहे हैं। जश्न, आतिशबाजी, डांस, सब कुछ मैंने देखा आज आप लोगों ने यहाँ पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी को भी और हमारे धाकर धामी जी को भी, जिन्होंने आज यूसीसी को लागू किया है। उत्तराखंड से शुरू हो गए चारों धाम, यहाँ देव भूमि से शुरू हुआ, अब देखो आगे आगे होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के तीन संकल्प थे, एक संकल्प प्रभु श्री राम का, अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बने, कश्मीर से धारा। बिल्कुल, भारती में आऊंगा आपके पास आगे भी और आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए लगातार पिछले 8-9 महीनों से जिस तरीके के चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि यूसीसी को लेकर लगातार सवाल हो रहे थे कि ये ड्राफ्ट कब आएगा, कब पेश होगा, कब बिल पास होगा, ऐसे में आज का दिन आप उत्तराखंड के लिए और खुद पुष्कर धामी के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जब ये बिल पास हुआ है? देखिए अनुपम, मैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले भी इस बात को कहता रहा हूं कि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है। आप देखिए 13 जिलों का स्टेट है, 9 जिले पूरे तरह से पहाड़ी हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो प्लेन्स और पहाड़ के बीच में बटे हुए हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से प्लेन्स में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक तरीके का ये एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पे यूसीसी आप कह सकते हैं कि यह उत्तराखंड को चूज किया गया, वहाँ लाया गया, इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए इस तरीके से था कि कहीं कोई विरोध तो नहीं होता, इसका रिएक्शन क्या होता है, ये सब देखना था। तो ये एक बात, तो आज इन सब की इच्छाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने किया, जब यूसीसी को एक कानून के रूप में धरातल में वो लाए। तो मैं समझता हूँ आज जहाँ संविधान निर्माता, आज उनकी मंशा पूरी हुई, इंदिरा जी भी कहीं ना कहीं स्वर्ग में, उनको भी संतोष प्रकट महसूस हो रहा होगा, और सर्वोच्च न्यायालय को भी, जिन जिन न्यायाधीशों ने इस तरह की मंशा प्रकट की थी,
उनको भी कहीं ना कहीं सुकून मिला होगा, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया। अब इसका सफर क्या रहेगा? जब ये देखिए सफर ये रहेगा, देखिए इससे महिलाओं को सुरक्षा मिली है, इससे उन माता पिताओं को सुरक्षा मिली है जिनके कई बार बेटे के निधन के बाद बेटी बहू जो है दूसरी शादी कर लेती थी और वो असहाय हो जाते थे, उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मिली है। उन बच्चों को सुरक्षा मिली है जो माँ बाप के शादी विच्छेदन के बाद कोर्ट के चक्कर लगाते थे कि बेटा किसकी सुपुर्दगी में रहेगा। उन बहनों आप ये देखेंगे उन बच्चों को भी सुख मिली है जो हिंदू यूनाइटेड फैमिलीज में कभी कभी शादी के बाद पैदा हुए और उनका कोई हक नहीं होता था, उनको भी कहीं ना कहीं संरक्षण का काम मिला है। और उन महिलाओं को जो बिना किसी कारण के कभी आदमी कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहे तो तीन शब्द बोले और उनको छुटकारा मिल गया, उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मिली है। और साथ ही साथ जो कई शादियां करने के बाद पत्नियों को किसी न किसी पत्नी को शोषण का शिकार होना पड़ता था, उसको भी बहुत बड़ी सुरक्षा मिली है बहु विवाह पे रोक लगाने से। तो कई लोगों को सुरक्षा देकर मैं समझता हूँ ये एक नई शुरुआत हुई है। और ये क्योंकि आज उत्तराखंड में लागू होगा, पास हुआ है, अब लागू होगा, ये पूरे देश पे एक नई दिशा और दशा देगा। और ये देश वास्तव में जो परिकल्पना थी समरसता की, जो परिकल्पना थी कि सबको समान अधिकार मिले, जो परिकल्पना थी कि ये देश स्वच्छ और स्वस्थ होकर के एक समरूपता के साथ आगे बढ़े, उस बात की मैं समझता हूँ पूर्ति होगी। देखिए हमने पास किया है, महामहिम राज्यपाल जी के पास जाएगा, राज्यपाल जी के दस्तखत होने के बाद निश्चित रूप से कानून का रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत होगी, अगर ये जरूरत होगी तो भेजा जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा उल्लंघन नहीं है जो सीआरपीसी की किसी भावना को छेड़ता हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सर पाखरो टाइगर सफारी मामले में आज पूर्व वन मंत्री समेत दो आईएफएस अफसरों के घर छापे पड़े और एक आईएफएस अफसर के घर तो करोड़ों रुपए भी मिले हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो आईएफएस अफसर तो वर्तमान में पर्यावरण बोर्ड में काम कर रहे हैं। अर्पण जितेंद्र अनुपम जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। मैं दरअसल अनुपम इस बात को कह रहा था कि देखिए उत्तराखंड एक पूरी तरह से हिमालय राज्य है, 13 जिलों का ये स्टेट है, 9 जिले विशुद्ध रूप से पहाड़ के हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो प्लेन्स पहाड़ के बीच में हैं और 2 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्लेन्स में हैं, जहाँ मुस्लिम आबादी भी है, सिख आबादी भी है और जो उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ अपने बॉर्डरी को शेयर करता है। तो एक परफेक्ट राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर उत्तराखंड को चूज करा गया। और जैसा कि आपने कहा एक चैलेंज तो था सरकार के पास, चैलेंज इस मायने में था कि यहाँ कैसा विरोध होता है, रिएक्शन होता है, ये देखने के लिए। तो कुल मिला के आपने देखा कि अभी तक के पूरी कमेटी ने जिस तरीके से फीडबैक लिया है उनको कोई बड़ा विरोध का कहीं सामना करना नहीं पड़ा और जिस तरीके से सरकार इसको लाई, आसानी से बिल पास हो गया, तो कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए और उनकी सरकार के लिए। तो आगे से एक बड़ा मैसेज है बाकी बीजेपी रूल्ड स्टेट के लिए भी, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीजेपी से बाकी राज्य की ओर भी ले जाएगी और लोगों में निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर आएगा। अनुपम जी लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जब इस ड्राफ्ट पर चर्चा हुई और जो रिएक्शंस निकल करके सामने आए कई जगहों से इस पूरे बिल को लेकर के हिंदू मुस्लिम के बीच में बांटने की या ध्रुवीकरण की तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं, ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस बिल को लेकर के कुछ हंगामा भी देखने को मिल सकता है? देखिए अनुपम, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में तो ऐसा बहुत कोई बड़ा विरोध नहीं देखने को मिला है, राजनीतिक तौर पे कुछ रहा, एक दो मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही आप उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर निकलेंगे, पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश है या दूसरे से हिंदी राज्य हैं जहाँ पर ज्योग्राफी दूसरी है, पॉपुलेशन का रेशियो भी डिफरेंट है, वहाँ पर जब ये फ्यूचर में कभी लागू हो तो वहाँ वो रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उत्तराखंड में मुझे लगता है कि मोर ऑर लेस ये सरकार के लिए उपलब्धि है कि यहाँ सब आराम से हो गया, जो बिल भी आज पास हो गया और सारी व्यवस्थाएं भी सी से हो गई। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग जैसे कि उन्होंने कहा है कुछ संगठनों की वो कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे, वो संतुष्ट नहीं है कि हमारे पर्सनल लॉस में कैसे दखल दिया जा रहा है, तो वो देखना होगा कि कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं। जी अनुपम, अच्छा इससे पहले भी आपने देखा क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ या तमाम चीजें हुई, क्या लगता है आपको उत्तराखंड को लेकर के ही इतनी गंभीरता क्यों दिखाई गई या उत्तराखंड में ही इसका प्रयोग क्यों किया गया और किसी हिमालयी राज्य और कहीं जो किसी राज्यों में क्यों इसको प्रयोग के तौर पर नहीं लाया गया? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी
कि सरकार उत्तराखंड में थी उस समय पे, हालांकि हिमाचल में भी थी, लेकिन ये चुनाव में जा रहा था उत्तराखंड पहले, तो वहां पर मुझे लगता है कि इसलिए पिक करा गया होगा हिमालय राज्यों के अंतर्गत, नॉर्थ ईस्ट में से ज्यादा यहां पर मायने रखता है, क्योंकि यहां करीबन हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत अच्छे नंबर पे है और 14% मुसलमान भी है, 2% के आसपास सिख और बाकी इस तरीके के माइनॉरिटीज हैं वो भी हैं, तो इसलिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, 2% या करीबन ट्राइबल्स भी हैं, तो ये देखने वाला बात था कि रिएक्शन कैसे होता है ट्राइबल्स की तरफ से, जैसे जरूर कुछ फीडबैक आया है, इसलिए फिलहाल उनको यूसीसी से बाहर रखा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज अपने भाषण में साफ कहा कि ये शुरुआत है और ये कानून बन जाएगा, तो आने वाले समय में जो भी ठीक रहेगा, जो चीज लागू, जो चीज उसमें यूसीसी में जोड़ी जा सकेगी उसको जोड़ेंगे हम, तो ये तरीके की शुरुआत है। तो मुझे इसलिए लगता है कि उत्तराखंड एक परफेक्ट एक प्रयोगशाला थी बीजेपी के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से और पूरे जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है रेशियो के हिसाब से, तो उसी तरीके से बीजेपी ने इसको पिक करा। क्या लगता है, कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अभी तक हम देखते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला दर्जे के जो नेता हैं, जहां पर भी जिन राज्यों में प्रचार करने जाते हैं तो तमाम बातों का जिक्र करते हैं, जिसमें हालिया तौर पर हमने देखा कि कई रैलियों में कई सभाओं में राम मंदिर का जिक्र हुआ, अब ऐसे ही उत्तराखंड के यूसीसी का भी जिक्र लोकसभा चुनाव तक हर जगह सुनने को और देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मुझे तो लगता है अनुपम यह होगा, हालांकि ये सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कोई तुष्टिकरण के नहीं है, इस तरीके से उन्होंने इशारा किया। लेकिन जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि राजनीतिक नफा नुकसान हमेशा किसी भी राजनीतिक निर्णय में देखा जाता है और जाहिर तौर पर बीजेपी का कोर इशू रहा है यूसीसी को लागू करना, और इसका जिक्र तो संविधान में भी है, आर्टिकल 44 में भी है, तो ये उत्तराखंड पहला स्टेट वो चूज करा गया और जिस तरीके से पास हुआ है तो बीजेपी निश्चित तौर पे इसको ले जाएगी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य कल उन्होंने इस बात को कहा भी कहीं कि ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से देवभूमि से शुरुआत हुई है और आगे आगे जाएगा, ऐसे किसी एक राजस्थान के मिनिस्टर ने भी ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट खासकर जो है वहां ये मुद्दा बड़े तौर पर ले जाया जाएगा लोकसभा चुनाव तक। जी अनुपम, अनुपम जी एक सवाल यहां पर, क्योंकि जाहिर तौर पर आप लगातार पुष्कर सिंह धामी को भी देख रहे हैं, भाजपा सरकार को भी देख रहे हैं और इससे पहले उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री हुए उनको भी आपने देखा है, इससे पहले जो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे कहीं ना कहीं उनके फैसले या तो विवादों में रहे या उनका मैनेजमेंट उतना सफल नहीं रह पाया कि वो सबको संतुष्ट कर पाए हों, लेकिन पुष्कर धामी का विरोध ना होना या इस बिल को लेकर के ज्यादा विरोध ना होना और पुष्कर धामी का मैनेजमेंट जिस तरीके से इस बिल को लेकर के लगातार शुरुआत से अब तक देखा गया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहां तक मैंने पुष्कर सिंह धामी को देखा है, मुख्यमंत्री धामी को देखा, उनसे मैं मिला हूं, उनसे इंटरेक्शन किया है, तो वो थोड़े एक दूसरे तरीके के पॉलिटिशियन है। उन्होंने आज विधानसभा में इस बात को कहा भी कि मैं किसी इशू पे बहस में नहीं पड़ना चाहता, जब कांग्रेस की किस बात पे वो अपना वक्तव्य दे रहे थे उस बात पे उन्होंने इस बात को कहा, तो यही उनकी कार्यशैली रही है। वो कोशिश करते हैं कि चाहे अपोजिशन के हों चाहे अपने पार्टी के लोग हों, सबकी बात सुने और सबको इंक्लूसिवनेस वाला एक रहता है कि सबकी बात सुने, सबकी बात को कहीं ना कहीं हिस्सा दे, तवज्जो दे, तो वो उनका एक जो राजनीतिक कौशल है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में था, इसलिए बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के उत्तराखंड को चूज करा है और यहाँ मुख्यमंत्री भी उन्होंने देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, पूरी एक रणनीति होगी इसके तहत यहाँ किया है, तो उस राजनीतिक निर्णय में मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी को एक बड़ी जीत तो कामयाबी तो मिली है इसमें। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल, अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के संपादक इस पूरे मसले पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे।